देखिए चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है, वहाँ कोई महागठबंधन नहीं आ रही है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार के लिए। बिहार के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर कल फैसला आ गया। बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए। हार को लेकर तमाम वजह बताई जा रही है, तो वही महागठबंधन के तमाम अनेक घटक दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। देखा जाए तो राजद के प्रत्याशी हुआ करते थे अनिल सहनी, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। वहीं एक वीडियो जारी किया अनिल सहनी ने। अनिल सहनी ने यह साफ कह दिया है कि अति पिछड़ों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्याय किया है, इसलिए अति पिछड़ों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दिया है, तो वहीं उनके प्रत्याशी को हरा दिया है। उनका साफ कहना था कि गलत प्रत्याशी को जो है उतार दिया गया था कुर्नी से, अगर राजद के प्रत्याशी उतरते तो जीत जाते। अनिल सहनी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से हार हुई है यह सिर्फ हार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की हुई है, ना कि महागठबंधन की हुई है। अनिल सहनी ने यह साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना दे देना चाहिए, तो वही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के पूर्व विधायक कुर्नी से रह चुके हैं अनिल सहनी, वो सुने आप। देखिए चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है, वहाँ कोई महागठबंधन नहीं आ रही है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या करना चाहिए, राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं है, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट, जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था, वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर ये मजबूत करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को अगर आपके प्रति, महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है, तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे राजद के पूर्व विधायक कुर्नी से अनिल सहनी। अनिल सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है हमला बोला है, तो वहीं अनिल सहनी ने यह साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस तरीके से प्रत्याशी खड़े किए गए थे, जिस तरीके से हार हुई है मनोज कुशवाहा की, वो सिर्फ हार जदयू की हुई है और महागठबंधन की नहीं हुई है। उनका, अनिल सहनी का, यह साफ कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्नी से हारे हैं, जदयू हारा है, ना कि महागठबंधन हारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुर्नी के पूर्व विधायक रहे अनिल सहनी ने इस्तीफा मांग लिया है, तो वहीं उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना देना चाहिए। फिलहाल अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया नीतीश कुमार ने, इसलिए कुर्नी में हार गए हैं उनके प्रत्याशी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।